Hey guys, this is Dr. Priyanka Singla and welcome back to my YouTube channel. बहुत सारे patients में acne की problem का होना काफ़ी common है और कुछ लोग आते हैं बताते हैं कि उन्हें acne के बाद spots रह जाते हैं, यानी acne के बाद निशान रह जाते हैं. वहीं कुछ females आती हैं जो बताती हैं कि उन्हें post pregnancy blemishes हो जाते हैं, यानी उसे उन्हें फेस पर ब्लैक निशान रह जाते हैं प्रेगनेंसी के बाद में. वो मोस्टली चीक वाले एरिया पर देखने को मिलते हैं. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो एक्ने के मार्क्स में, यानी एक्ने के बाद होने वाले निशान में, पोस्ट प्रेगनेंसी ब्लैमिशेस में, प्रेगनेंसी के बाद होने वाली झाइयों में और हाइपर पिगमेंटेड स्किन में, यानी जो स्किन पर काले निशान पड़ जाते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं अगर एक्ने के मार्क्स आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के ओवर यूज़ के बाद हैं, यानी स्किन पर आपको मार्क्स किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के ओवर यूज़ के बाद में हुए हैं. इचिंग बहुत ज़्यादा रहती है, स्किन पे खारिश बहुत रहती है, इचिंग करने से थोड़ा सा बेटर रहता है. अगर आपको किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के बाद स्किन पर रैशेज हुए हैं, स्किन एलर्जी हुई है और उसमें इचिंग बहुत रहती है, तो उस केस में आपको सल्फ़र लेनी है. सल्फ़र आपको 30 की पोटेंसी में लेनी है. सल्फ़र 30 दिन में एक बार लेनी है, वो आपको रात के वक्त लेनी है. सल्फ़र 30 की 3 बूंदें लेनी है आपको रात के वक्त सोते टाइम पर, जो आपको मेडिकेटेड सोप्स के बाद में, क्रीम के बाद में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के बाद में एक्ने हुए हैं, एक्ने मार्क्स हुए हैं, वो आपके ठीक हो जाएंगे. नेक्स्ट अब बात करते हैं अगर आपको पोस्ट प्रेगनेंसी ब्लेमिशेस हैं, यानी आपको प्रेगनेंसी के दौरान या फिर डिलीवरी के बाद में फेस पर झाइयाँ हुई हैं. बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जो कंप्लेन करती हैं कि उन्हें डिलीवरी के बाद में फेस पर झाइयाँ शुरू हो जाती हैं. अगर आपको ब्लैक निशान आ गए हैं प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद में, तो उस केस में आपको बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर वो अप्लाई करना है झाइयों पर. अगर आपको पोस्ट प्रेगनेंसी ब्लेमिशेस हैं तो बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर की फॉर्म में लीजिएगा. बर्बेरिस एक्वाफोलियम आपको लोकली अप्लाई करना है आपकी झाइयों पर दिन में 2 बार सुबह और शाम, कॉटन से लेकर. कॉटन पर आपको बर्बेरिस एक्वाफोलियम की 15 ड्रॉप्स लेनी है, दिन में 2 बार ब्लेमिशेस वाले एरिया पर रब करनी है. ऐसा आपको 1 महीने तक करना है. जो आपको पोस्ट प्रेगनेंसी ब्लेमिशेस हैं वो आपके लाइट होना शुरू हो जाएंगे और उसके कंटिन्यू यूज़ से, अप्लाई करने से कंटिन्यू, वो आपके ब्लेमिशेस ख़त्म हो जाएंगे. नेक्स्ट बात करते हैं अगर आपको बार बार एक्ने हो जाते हैं, बार बार बॉडी में एक्ने हो जाते हैं, एक्ने मार्क्स छोड़ जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स छोड़ जाते हैं एक्ने बॉडी पर, आपको एक एक्ने के बाद दोबारा एक्ने शुरू हो जाता है, रिपीट रिपीट आपको एक्ने हो जाते हैं जो मार्क्स छोड़ जाते हैं, अगर आपको ये सारे सिम्टम मिलते हैं, एक्ने मार्क्स में बहुत इचिंग रहती है कि बार बार आपको एक्ने हुए, एक्ने स्पॉट्स छोड़ जाते हैं, उसमें इचिंग बहुत रहती है, उस केस में आपको काली ब्रोमेटम लेनी है. काली ब्रोम आपको 30 की पोटेंसी में लेनी है. काली ब्रोम 30 दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम, 3-3 बूंद जीभ के ऊपर. जो आपको बार बार एक्ने की फ्रीक्वेंसी है वो भी आपकी कम हो जाएगी और जो आपको ब्लैक स्पॉट्स रह जाते हैं एक्ने के बाद वो भी आपके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर आपको एक्ने मार्क्स बहुत पुराने हैं, यानी कई सालों से आपको एक्ने मार्क्स हैं, बॉडी पर एक्ने मार्क्स हैं जिसमें इचिंग बहुत रहती है, यानी खारिश बहुत रहती है. अगर आपको क्रॉनिक एक्ने मार्क्स हैं तो उस केस में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन है कैलेंड्यूला ऑफिसिनालिस. कैलेंड्यूला आपको मदर टिंचर की फॉर्म में लोकली अप्लाई करना है. कैलेंड्यूला मदर टिंचर 20 ड्रॉप्स लीजिएगा आप, दिन में 3 बार अप्लाई करना है, सुबह, दोपहर, शाम, जहाँ पर भी आपको एक्ने के स्पॉट्स हैं. आपको कॉटन से लेकर वो लोकली अप्लाई करना है दिन में 3 बार. जो आपको क्रॉनिक एक्ने मार्क्स हैं वो आपके लाइट होना शुरू हो जाएंगे और उसके रेगुलर यूज़ से आपके मार्क्स सारे चले जाएंगे. तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसन्स हैं जो आपको एक्ने मार्क्स में, ब्लेमिशेस में, हाइपर पिगमेंटेड स्किन में बहुत अच्छा काम करती हैं. आई होप वीडियो इफेक्टिव लगी हो आपको. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.